टॉयज वर्ड सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? क्यूट क्यूट से बच्चे, क्यूट क्यूट से पप्पीज, टॉयज के साथ खेलते हुए, बच्चे खेलते हुए। बेसिकली हम हमेशा टॉयज को क्यूटनेस के साथ ही जोड़ते हैं। आज जिस केस के बारे में आपसे बात करने लगी हूँ, वो सुनने के बाद टॉयज वर्ड सुनते ही आपको डर लगेगा, आपके नाइटमेयर्स में आएगा और कभी भी टॉयज को क्यूटनेस के साथ रिलेट नहीं करोगे। What all this amounts to is that you're going to be kept naked and chained up like an animal, to be used and abused at any time we want to, in any way that we want to. And you may as well start getting used to it because you're going to be kept here and used until such time as we get tired of fucking around with you. Hi guys, this is Daisy here. Welcome to my show, Daisy Investigates. तो आज का जो केस है, जिस केस के बारे में बात कर रही हूँ, वो है टॉय बॉक्स किलर के बारे में। मार्च 22, 1999 में मैक्सिको में एक 22 साल की लड़की सिंथिया सड़क पे बिना किसी कपड़ों के पूरी नेक्ड जोर जोर से भाग रही थी। उसके पूरी बॉडी पे ब्लड था। वो भागी जा रही थी और साइड से एक गाड़ी निकली, जिस गाड़ी में एक लेडी ड्राइव कर रही थी, और वो लेडी ने उसको देखा और वो देख के इतना डर गई कि वो गाड़ी को बंद करके भाग गई वहाँ से, गाड़ी लेके चली गई। उसके बाद एक आदमी दिखा, आदमी गाड़ी पे जा रहा था, उसने भी उस औरत को देखा, किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की, वो भी चली गई क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी। भागते भागते वो एक एरिया में पहुंची जहाँ पर हर तरफ ट्रेलर्स ट्रेलर्स, आपको पता ही होंगे, जो कैरावान्स होते हैं, जो यूएस में लोग रहते हैं, जहाँ पर ट्रेलर्स में, अलग अलग घरों में, गाड़ियों में जो रहते हैं, उनको ट्रेलर्स कहते हैं। तो उसने वहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेलर्स हैं, पर एक ट्रेलर जो था वो उसको देखने में लगा कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, तो वहाँ कोई रहता है। तो बिना कुछ सोचे भाग के वो अंदर गई, दरवाजे को बंद किया और उसने देखा कि वहाँ पर एक लेडी जो है वो बैठ के चेयर पर टीवी देख रही थी। उसने उस लेडी को देखते ही बोला, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। और जैसे उस लेडी उसकी हालत देखी, वो अंदर से भाग के गई, उसके लिए एक रोब लेके आई, जैसे वो काइंड ऑफ जैकेट्स टाइप कुछ लेके आई पहनाने के लिए। वो लेडी उसकी हालत देख के हैरान हो गई क्योंकि उसके बाल जो थे वो उसमें खून जमा पड़ा था, उसके पूरे फेस के ऊपर ब्लड ड्रॉप्स थे, पूरी नेक्ड थी, उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था और उसके पाँव के साथ एक चेन बनी हुई थी। उसने उसी वक्त 911 पे कॉल की और पुलिस को बुलाया कि तो सिंथिया, वही लड़की, उसने पुलिस वालों को फर्स्ट चीज़ ये बोली फ़ोन उठाते कि आई एम अलाइव, प्लीज़ हेल्प मी, कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर उसने पुलिस वालों को बताया कि मुझे 3 दिन पहले एक आदमी और एक औरत ने किडनैप कर लिया था। किडनैप करने के बाद वो मुझे ड्राइव करते करते एक ट्रेलर में लेके गए, जहाँ ट्रेलर में पहुँचे उन्होंने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और बांध दिया। और उसने बताया कि मुझे पिछले 3 दिनों से इतना बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं वो आदमी और औरत। उसने अपनी डिटेल्स बताई कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे बोला कि मैं तुझे $20 पे करूँगा और तू मेरे सेक्सुअल फेवर्स कर दे। जैसे वो गाड़ी में बैठी है उनके साथ, उसने देखा पीछे एक लेडी बैठी हुई थी और उन्होंने एकदम से उसको पकड़ के उसके गले पे कॉलर, मेटल का कॉलर, जैसे हम डॉग्स के कॉलर डालते हैं, मेटल का कॉलर डाल दिया, उसको बंदी बना लिया और 7 घंटे तक ड्राइव करते करते उसको ले गए। जब लेके गए तो वो एक ट्रेलर थी, ट्रेलर एक बड़ी सी गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर उसको अंदर लेके गए। अंदर ले जाके उसने बताया कि मेरा टॉर्चर का जो सिलसिला 3 दिन का, तब से शुरू हुआ। उसने बताया कि मैं कैसे बच गया। उसने बोला वो जो आदमी था वो कुछ देर के लिए ट्रेलर से बाहर गया, उसने उस औरत को बोला कि तू इसका ध्यान रख। ट्रेलर में 2 कमरे थे, वो जो औरत है जब दूसरे कमरे में गई, सिंथिया को एकदम से मौका मिला अपनी जान बचाने का। उसने उसी वक्त उठ के फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के 911 पे कॉल की। अभी कॉल पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी, वो दूसरी लेडी बाहर आ गई, उसने फ़ोन बंद किया और सिंथिया को धक्का दिया। सिंथिया ऐसे जैसे कैसे अपनी जान बचा के उस लेडी के सर पे फ्लावर पॉट मार के जान बचा के वहाँ से भागी। पुलिस वालों ने बताया कि हाँ, हमने अभी एक ट्रेलर पकड़ा है जहाँ से एक 911 की कॉल आई थी, वो फुल कॉल नहीं थी, मिस्ड कॉल थी। हम उसी वक्त वो देखने गए मिस्ड कॉल, क्योंकि हमें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे वो ट्रेलर में पहुंचे, उन्होंने बताया कि हाँ, हमें वो ट्रेलर मिल चुका है और वो लेडी भी मिल चुकी है। सिंथिया ने पुलिस वालों को बताया कि जब मुझे ये लेके गए, उन्होंने हमें ये बोला कि हम अंडरकवर कॉप हैं और तू ये सेक्स वर्कर का काम करी, हम इसलिए देखो अरेस्ट कर रहे हैं, पर असल में कहानी ये नहीं थी। जब उसको ट्रेलर में लेके गए, उसने बताया कि सबसे पहले मेरे साथ क्या किया गया, मुझे एक जो गायनिकोलॉजिस्ट बेड होता है जहाँ पर लेडीज़ की डिलीवरी होती है, इस टाइप का एक बेड था, उस पर मुझे लेटा दिया।
मेरे सारे कपड़े उतार के मेरी बाजू बांध दी और मेरी लेग्स को वाइड ओपन करके बांध दिया। बांधने के बाद उसने बताया कि मेरे सामने एक मॉनिटर रख दिया जिस पे मैं अपने आप को देख सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद 20 मिनट्स की ऑडियो कैसेट प्ले की गई। उस ऑडियो में जो वो आदमी था जिसका नाम है रे पार्कर, उसने एक पूरी डिटेल बताई थी कि तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसने बताया कि पहले सबसे पहले मुझे ऑडियो में बताया गया कि तू आज से हमारी सेक्स स्लेव है, तू मेरे को एज अ मास्टर और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको एज अ मिस्ट्रेस ही बुलाएगी। जब तक हम तेरे से कुछ पूछते नहीं है तू किसी चीज़ का जवाब नहीं देगी, तुझे सिर्फ चुप रहना है और अगर तू बिना कुछ बोले जितनी बार भी बोलेगी तेरे को टॉर्चर होगा। फिर उसने ये भी बताया कि तेरे को हम एनिमल्स भी तेरे पे सेक्सुअली टॉर्चर करेंगे और हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उसने बताया कि हम सर्टेन चर्च को बिलोंग करते हैं और जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा सेडिस्टिक फैंटसीज हैं सेक्स को लेके। सेडिस्टिक फैंटसीज वो होती हैं जो लोग जब सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो सेडिस्टिक होते हैं कि जो उनको टॉर्चर पसंद है। तो उसने बोला कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सेडिस्टिक हैं तो वो सारे तेरे साथ करेंगे, तो हमारी आज से सेक्स स्लेव है, जितनी देर तक हम चाहते हैं हम तेरे साथ सब कुछ करेंगे और जब हमारा मन भर जाएगा हम तेरे को मार देंगे। ये सब कुछ एक 20 मिनट की ऑडियो कैसेट में बताया गया। सिंथिया ने बताया कि मैं पहले बहुत डर गई। उसने बोला कि उस पर मेरे साथ टॉर्चर शुरू हो गया। और ऑडियो कैसेट में ये भी बताया कि जो पहला ट्रेलर का पहला रूम है यहाँ तू सेफ है, जब तू दूसरे रूम में चली जाएगी वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉर्चर होगा। फिर उसने उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ है। इतना ग्रूसम है आपको मैं डिटेल में बता नहीं सकती। जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, सर्जिकल डिवाइसेस जो होती हैं जैसे सीजर्स नीडल्स वो उसकी पूरी बॉडी पे लगा दी गई, उसकी लेग्स को वाइड ओपन करके उसको बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया, उसका रेप किया गया और नॉर्मल रेप नहीं किया गया, बहुत गंदे तरीके से रेप किया गया। 3 दिन तक सिंथिया ये सब कुछ सहती रही और हिम्मत करके वो वहाँ से भागी। सिंथिया की सारी बातें सुन के पुलिस वाले भी शॉक में चले गए, उन्हें लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती। बट उन्होंने जब ट्रेलर जाके देखा, ट्रेलर के अंदर सारे इक्विपमेंट्स थे टॉर्चर करने के लिए, जो एक इंसान को सब टॉर्चर कर सकते हो। डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते हैं कितनी दर्द होती है, और एक लड़की की पूरी बॉडी में, एक सिर्फ 22 साल की लड़की, वेरी यंग, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई गई थी अलग अलग सेंसिटिव पार्ट्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, जिससे जब भी वो उनको इंजॉय करना था उसको करंट देते थे और पूरी बॉडी पे नीडल्स रेंजेस के साथ टॉर्चर करते थे। तो ये सारी बात सुन के पुलिस वालों ने रे पार्कर और उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके वो उसको लेके आ गए। जब अरेस्ट करके लेके आए तो रे पार्कर और उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, जो ये सिंथिया है हमारी फ्रेंड है, ये हेरोइन की एडिक्शन है, इसको ड्रग्स लेती है, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी एडिक्शन बंद हो सके। पर ऐसा कुछ नहीं था, सिंथिया ने डिटेल्स दी। पर चक्कर ये था कि सिंथिया की डिटेल्स देने के बाद भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो किस तरीके से बताए, मतलब प्रूफ कर सकें कोर्ट के आगे कि हाँ ये बंदा जो है ये ही वो है जिसने सारा कुछ किया है। उन्होंने ट्रेलर को अच्छे से सर्च किया, उनको सारे इक्विपमेंट्स मिल गए, उनको वहाँ से एक कैसेट्स मिली। उस कैसेट्स में कुछ लड़कियों की वीडियोस थी जिसमें रेप आकर उसकी गर्लफ्रेंड उनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस बनाई थी। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिंथिया ने बताया था कि मेरे आगे एक मॉनिटर रखा गया था, काइंड ऑफ स्क्रीन रखा गया था जहाँ पर मुझे सब दिख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और छत के ऊपर भी शीशा लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था, अगर आप लेटे तो ऊपर लेट के देखूंगे मेरे साथ टॉर्चर कैसे हो रहा है। सिंथिया की कोई पिक्चर नहीं थी जिसके जब टॉर्चर हुआ, सिंथिया की कोई वीडियो नहीं मिली, तो पुलिस वाले प्रूव नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वालों को एक 1994 की भी वीडियो कैसेट मिली जिसमें एक लड़की का रेप हुआ था, उसके साथ टॉर्चर हुआ था, पर उनको वो बंदी मिल नहीं रही थी। तो ये जब सारी न्यूज़ थी तो मतलब पुलिस वाले इतने शॉक हुए, इसने सारी सारी की सारी ये न्यूज़ में बता दिया कि ऐसे ऐसे ही रेप आकर ने ये सब कुछ किया है। सारी न्यूज़ सुन के एक लेडी थी, उसका लड़की थी, उसका नाम था एंजेलिका। एंजेलिका पुलिस के सामने आई, उसने बोला कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं रेप आकर को एक्वेंटिस थी, मतलब मैं उसको सिर्फ जानती थी, तो मैं उसके घर गई थी केक मिक्स लेने। जैसे मैं केक मिक्स लेने गई उसने मुझे कुछ खिलाया, अबडक्ट कर लिया और मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ, मेरे साथ भी यही सारा टॉर्चर हुआ, और टॉर्चर इतने गंदे तरीके से हुआ, इतना ग्रूसम है कि सोच के ऐसे रूह कांपती है। तो पुलिस वालों के पास एक और सबूत मिल गया एंजेलिका का, पर यही प्रॉब्लम थी कि एंजेलिका के पास भी प्रूफ नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ है, क्योंकि बहुत पुरानी बात थी ये। तो पुलिस वाले फिर फंस गए, पुलिस वालों को सबूत वगैरह मिल गए, तो उसने उनकी गर्लफ्रेंड को बोला, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था सिंडी,
उन्होंने सिंडी को बोला कि देखो अभी आप फंस चुके हो। तो सिंडी को लगा कि अभी अब फंस तो मैं गई हूँ, मैंने तो इतना कुछ नहीं किया। उसने बोला कि मेरी आप अगर सज़ा कम कर दोगे तो मैं रेप आकर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो फिर उसने बताया कि जो रेप आकर को मैं कुछ साल पहले मिली थी, ये बहुत देर से यही सब कुछ कर रहा है, लड़कियों को अबडक्ट करता है। साल में उसने बताया कि 3 या 4 लड़कियों को हम किडनैप करते हैं। वो 3 या 4 लड़कियों को हम 2-2, 3-3 महीने तक अपने पास रखते हैं, उनको अपना सेक्स स्लेव बना के रखते हैं, उनके साथ टॉर्चर करते हैं। हमारा जो सेटन ग्रुप है, सेटन चर्च है, उसके ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं वो आते हैं। हमारे जो डॉग्स हमने रखे हैं, हम डॉग्स से भी लड़कियों का रेप करवाते रहे हूँ। और ये सब में वो उसने बोला कि मैं इंजॉय करती थी, आई यूज़ टू इंजॉय एवरी थिंग जो मैं देखती थी, तो इसलिए मैं रेप आकर का साथ देती रही। फिर सिंडी ने ये बताया कि जो रेप आकर की डॉटर है और उसका बॉयफ्रेंड, वो भी इसी चीज़ में शामिल हैं। तो फिर जल्दी से पुलिस ने उसकी डॉटर को पकड़ा और डॉटर उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा। तो उसकी डॉटर तो कुछ नहीं बोली, पर जो रेप आकर की डॉटर का बॉयफ्रेंड था, फैक्ट बताया कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने और रेप आकर की डॉटर ने मिलकर किडनैप किया। किडनैप करके हमने उसके साथ सब कुछ, ये सब कुछ टॉर्चर वॉर्चर किया और उसके बाद उसको मार दिया। और मारने के बाद उसने बोला कि रेप आकर ने मुझे बोला कि तू बॉडी कहीं पर डंप कर दे। बॉडी डंप कर दी और मुझे धमकी दी गई कि अगर तू ये किसी को बताएगा तो तेरे साथ ये सब कुछ होगा। पुलिस ने सर्च की हर जगह देखने के लिए कि कहाँ पर बॉडीज, उन्हें कोई बॉडीज़ कहीं पर नहीं मिली। तो ये चीज़ पे सिंडी, जो रेप आकर की गर्लफ्रेंड थी, उसने बताया, इसका एक फ्रेंड था बिली, आपस में इनका झगड़ा हो गया तो उसने उसको मार के लेक में फेंक दिया था। पर कुछ दिन बाद वो बॉडी लेक से ऊपर आ गई थी। आपको पता ही होगा कि पानी में जो बॉडी है फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। तो रेप आकर ने क्या किया, उसके बाद उसको ये आइडिया हो गया कि बॉडी ऊपर जाती है, तो वो उसके बाद जितनी भी लड़कियों को मारता था, मारने के बाद उसके पेट में से सारी इंटेस्टाइन्स वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक देता था और फिर डंप करता था, जिससे क्या होता था कि पानी अंदर नहीं जाता तो बॉडी फूल के नहीं आती थी ऊपर। तो इस वजह से कोई भी बॉडी मिली नहीं जितनी भी उन्होंने मारा उनको। फाइनली रेप आकर और सिंडी और उसकी डॉटर और जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो सब पकड़े गए, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो रे पाकर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रे पाकर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उसने ऑनर के साथ US आर्मी से अपनी रिटायरमेंट ली थी। बचपन उसका बहुत बुरा रहा है, जो बहुत यंग था, उसके मदर और फादर दोनों सेपरेटेड हो गए थे, डिवोर्स थे। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और ग्रैंडफादर बहुत स्ट्रिक्ट था। वो और उसकी सिस्टर दोनों अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते थे और यंग एज में बहुत शाय था, इतना ज़्यादा किसी से लड़कियों से बात नहीं करता था। उसका मजाक उड़ाया जाता था उसके फ्रेंड्स के बीच में कि तू लड़कियों से बहुत शर्माता है। पर उसके ये चीज़ उसके दिमाग में भरती गई। और जो उसका फादर था ना, वो बहुत ड्रंक किस्म का शराबी था और वो जितनी बार भी अपने बेटे को मिलने आता था, रेपाको को मिलने आता था, उसको पॉर्न मैगजीन्स दे के जाता था। और वो पॉर्न मैगजीन नॉर्मल नहीं होती थी, जो BDSM मैगजीन्स होती हैं आपको पता है, जिसमें टॉर्चर हो, वैसी मैगजीन दे के जाता था। और बचपन से ही रेपाकर जो है वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, लड़कियों को लेके, और उसको ये सब कुछ पसंद था। तो धीरे 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 करके एज के साथ उसकी ये जो एक जुनून था लड़कियों को लेके और टॉर्चर को लेके, उसने सच्चाई में किया और वो फिर पकड़ा गया। सबसे जो हैरानी वाली बात है वो ये है कि जितनी भी विक्टम्स बाद में सामने आए पुलिस के, उन्होंने बताया कि हमें एक मेडिसिन देता था, सोडियम पेंटाफिल एंड फैनी परबल, जिससे हमारी मेमोरी लॉस हो जाती थी। हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रहती, हमारे साथ टॉर्चर हुआ, हमें ये कुछ नहीं याद रहता था कि किसने टॉर्चर किया, कैसे टॉर्चर किया। तो इस वजह से आज तक कभी रेप आकर पकड़ा नहीं गया। पर वही कहते हैं कि जब इंसान बुरा करता है तो एक पॉइंट पे आके आपके जो बुराई का वो अंत तो होना ही होता है। तो वो सिंथिया थी जो पहली बार बच के निकली और उसने पुलिस को सब कुछ बताया, क्योंकि तब तक उसको वो मेडिसिन दी नहीं गई थी मेमोरी लॉस की। तो फाइनली रेप आकर, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी डॉटर और उसकी डॉटर का बॉयफ्रेंड, वो चारों को पकड़ा गया, सबको सज़ा हुई। रेप आकर के सारे केसेस तो सामने नहीं आए, पर जितने भी आए उससे उसको 200 साल की सज़ा हुई। यूएस जो कोर्ट्स है वहाँ पर सज़ा देते हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक वो मरेगा नहीं वो जेल में रहेगा, उसको कोई पैरोल का भी मौका नहीं मिला। तो उसकी गर्लफ्रेंड थी सिंडी, वो 20 इयर्स की सज़ा काट के बाद में रिलीज़ हो गई। और रेप आकर को May 2002 में मैक्सिको लेके जा रहे थे लीथल इंजेक्शन के साथ मारने के लिए, बट उससे पहले उसका हार्ट अटैक हो गया, late 60s में उसकी डेथ होगी, वो अपनी सज़ा पा ही नहीं पाया। तो ये था आज का हमारा टॉय बॉक्स किलर का केस। कैसा इंसान होगा वो, कितना ज़्यादा ईवल इंसान होगा जो इंजॉयमेंट उसकी सिर्फ लड़कियों को टॉर्चर करना। और सिर्फ वो नहीं, एक होता है एक इंसान की सोच गंदी हो तो वो अकेला एक इंसान वो करता है,
और उसके साथ उसकी डॉटर, डॉटर का बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड और एक जो पूरा ग्रुप था जो लड़कियों के साथ टॉर्चर करते थे, वो सब मिले हुए थे। सोचे कितनी घटिया सोच के ये लोग होंगे। अगर हम ये बात बोलें कि बचपन उसका बुरा निकला इस वजह से वो ऐसा होगा, तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बुरा बचपन निकला पर फिर भी उन्होंने पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को लिया है। डेविड रे पार्कर वो नहीं ले पाया क्योंकि वो अंदर से ईविल था। तो जो इंसान बुरे होते हैं वो बुरे ही होते हैं, और जिस तरीके से उसने टॉर्चर किया है, वो सोच के भी मेरी ऐसे रूह कांपती है कि इतना गंदा आप कैसे किसी के साथ कर सकते हो। जो जो उसने लड़कियों के साथ किया है मैं डिटेल्स में नहीं बता सकती यूट्यूब पे जो जो किया है, पर अगर आपने चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो होपफुली आपको आज का जो केस था डेविड रे पार्कर का, टॉय बॉक्स किलर, अच्छा लगा हो। अगर आप और ऐसे केसेस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहो डेजी कॉर के साथ। कोई अगर केस आपके दिमाग में हो जो आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ मुझे मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं करूंगी, क्योंकि मेरा काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना केसेस को, तभी तो डेजी इन्वेस्टिगेट्स। जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए केस के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। जुड़े रहो डेजी कॉर के साथ और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।